आ रहा है वॉइस सभी को? चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज स्टार्ट करते हैं और साथ में उसको खत्म भी करते हैं, और जो सीपेज थ्योरी है उसको स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है? चलिए, ठीक है, चलिए। राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलिए चलिए चलिए, कहाँ थे हम कहाँ थे? हम आ चुके हैं, हम बिलिंग्स पे नहीं आया अभी। हम चल रहे हैं कहाँ पे? इंग्लिश फॉल हो गया, सीपेज थ्योरी, ठीक है। चलिए डिवाइड बोल, ये बिल्कुल सही। हम आज डिस्कस कर रहे थे इस डिवाइड बोल, चलिए। सबसे पहले हमने बता दिया था इसका पर्पस आपको बता ही दिया था कि ये जो आपके पास रिवर से फ्लो आता है उसको डाइवर्ट करता है कहां पर? आपके पास ऑफ टैंकिंग कैनाल में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन को, ठीक है सर? टेक्निकल टीम आपका काम ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर आप भी बताएंगे। आयुष बेटा अपलिफ्ट प्रेशर अभी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अरे मैं ही करता हूँ, वो नहीं करते, तुम्हें आप भी बताए ना। हम ही चेंज कर रहे हैं टाइम को, अभी हम चेंज कर रहे हैं, वो कैसे बताएंगे? उनको टाइम कोई नहीं आता, सिर्फ टीचर आते हैं क्लास लेने। अभी कोई नहीं आता, किसी को नहीं पता। हम ही तुम्हें अपडेट करेंगे, और तुम्हें अपडेट में कर चुका था, ठीक है। चलिए, और ये बता दिया था कि ये 90 एंगल पे बनता है टू दी वियर। मैंने क्या कहा था कि ये परपेंडिकुलर होता है वियर के, ये भी बता दिया था। वो पेंडिंग है, ठीक है। चलो चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कहते हैं, ठीक है, ऑन अपस्ट्रीम साइड। ये अपस्ट्रीम साइड पर कहाँ तक बनी होती है? ये कहाँ तक बनी होती है? एक्सटेंडेड अप टू कैनाल रेगुलेशन वर्क तक बनी होती है। और ये डाउनस्ट्रीम साइड पर ये कहाँ तक बनी होती है? एक्सटेंडेड अप टू लॉन्चिंग एप्रोन, ठीक है। अगर लॉन्चिंग एप्रोन आप समझ नहीं सकते तो यहाँ पे आप सिंपल से याद रखना, लूज ग्रेवल को ही लॉन्चिंग एप्रोन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बताया था कल, मैंने आपको एक यहाँ पे डायग्राम बनाया था जो कि आपके पास गलत है यहाँ पर ये चीज़ें, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा कुछ भी। अब बार बार ये खोलो, टाइम बर्बाद करो। ये देख लो, बिल्कुल सही डायग्राम खुला है। देखो, ये क्या होता है कि जो ये वॉल बनी पड़ी है ना, ये जो वॉल बनी पड़ी है, ठीक है, यहाँ पर है,
यहाँ पर, ठीक है। ये क्या करती है, ये यहाँ तक कहाँ तक बनी होती है, जहाँ तक हमारा अप स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम में कहाँ तक बनी हुई है, जहाँ पे हमारा लॉन्चिंग अप्रोन है, ठीक है, जहाँ पे हमारा लॉन्चिंग अप्रोन है वहाँ तक होती है। लॉन्चिंग अप्रोन होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो ये आपके पास वियर है, तो वियर के कुछ यहाँ पर और आपके पास कुछ इस जगह पर एक आपके पास मटेरियल लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्चिंग अप्रोन कहते हैं। ये लॉन्चिंग अप्रोन क्या होते हैं, ये ग्रेवल होते हैं, ग्रेवल, बड़े बड़े ग्रेवल्स होते हैं। होता क्या है कि यहाँ का जो आपके पास पानी है ना, यहाँ का जो पानी है वो पानी यहाँ से पास करता हुआ यहाँ से एग्जिट करता है डाउन स्ट्रीम साइड पर। हम उसका पाथ निकालते हैं कि वो डाउन स्ट्रीम में कहाँ से एग्जिट करेगा। तो जहाँ से भी वो एग्जिट करता है ना, तो अगर आपने वहाँ पे सोइल लूज ली तो वहाँ पे वो एक प्रेशर एग्जिट करते हुए निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं, एग्जिट प्रेशर। और वहाँ से वो एक होल बना देता है जिसे पाइपिंग कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो वो आपके पास प्रेशर आगे जनरेट ना हो, यहाँ की सोइल ना निकले, तो यहाँ पे लूज ग्रेवल लगा देते हैं जिनका स्पेसिंग ज़्यादा होती है और वेट क्या होता है, ज़्यादा, जिस कारण से पानी जो आएगा इनके अंदर से निकल के यहाँ से सीधा चल जाएगा। अगर वो प्रेशर से निकलता तो एक अपलिफ्ट प्रेशर वहाँ पे भी लगाता, जिस कारण से वहाँ पे पाइपिंग बनने के चांसेस होते। बट हम यहाँ पे लॉन्चिंग अप्रोन यूज़ करते हैं, लूज ग्रेवल प्रोवाइड करते हैं, जो यहाँ पर इस अपलिफ्ट प्रेशर को क्या करती है, रोकती है। इसलिए इसके डाउन स्ट्रीम साइड पर क्या प्रोवाइड करते हैं, लॉन्चिंग अप्रोन प्रोवाइड करते हैं। याद रखना ये अपस्ट्रीम और दो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जगह पे होता है, ठीक है। पानी के बना लिया क्या, ठीक है, चलो ठीक है। तो याद रखना ये अपस्ट्रीम में कहां तक बना होगा, जहां तक कैनाल रेगुलेशन वर्क है, और डाउनस्ट्रीम में कहां पे बना होगा, जहां तक लॉन्चिंग अप्रोन है, जहां तक लॉन्चिंग अप्रोन है। चलो अब लॉन्चिंग अप्रोन की बात करते हैं कि ये क्या होता है, लॉन्चिंग अप्रोन की बात करते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। चलिए उससे पहले इसकी टॉप विड्थ की बात कर लेते हैं। नोट करके लिख लेना कि जो ये डिवाइड वॉल है इसका विड्थ कितना होता है। अगर इसकी बात करें टॉप विड्थ की, टॉप विड्थ ऑफ डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल कितनी होती है, 1.5 से लेके 2.5 मीटर, दोनों ही ऑप्शन में आती है, तो हम 1.5 को क्लिक करते हैं। और अगर बात करें इसके बॉटम विड्थ की, बॉटम विड्थ ऑफ डिवाइड वॉल तो कितना होता है आपके पास, 3 से 5 मीटर। और अगर जनरली ये दोनों आती है तो एग्जाम में आता है कितना, 4 मीटर। मैं आपको ऑप्शन में आता है 3, 4, 5, 6, तो आंसर क्या करेंगे, 4 मीटर करेंगे, इन दोनों का एवरेज लेकर, इन दोनों का एवरेज लेकर। याद रखना ये दोनों ही क्वेश्चन आ रखे हैं, ये जब आपके पास दोनों ही ऑप्शन में आए तो डेढ़ करना, और जब ये आपके पास चारों ऑप्शन में आ जाए तो 4 मीटर करना, इनका एवरेज। कैसे बनी होती है वॉल, ये इस तरीके से बनी है, इस तरीके से ये बनी हुई है। आप जब ऊपर से देख रहे हो तो ये कितनी दिखेगी, 1.5 से 2.5, और जब बॉटम से देखोगे तो कितना दिखेगा, 3 से 5, 3 से 5, ठीक है, क्लियर है क्या बेटा, सो तो नहीं गए तुम सब, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे चले लॉन्चिंग अप्रोन पर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना लॉन्चिंग अप्रोन, ठीक है, और याद रखने के लिए याद रख सकते हैं लूज ग्रेवल,
लूज ग्रिप, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, चलो ठीक है। इसके अंदर क्या लिखना है आपको, इट इज प्रोवाइडेड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इट इज प्रोवाइडेड ऑन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम टू रिड्यूस द स्कोरिंग ऑफ मटेरियल। ये इस नाम से बार बार आता है, इस नाम से बार बार आता है, रिड्यूस द स्कोरिंग ऑफ मटेरियल। इसका पर्पस ये ना फाइव स्टार कर देना, इसका ये पर्पस फाइव स्टार कर देना। पूछा जाता है कि लॉन्चिंग, जो लॉन्चिंग अप्रोन है ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये पानी के कारण जो मटेरियल के स्कोरिंग होने वाला है उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करवा देते हैं, लॉन्चिंग अप्रोन प्रोवाइड करवा देते हैं। आपने अगर सोइल पढ़ी होगी, जिसने भी सोइल पढ़ा है इससे, या इन्वायरमेंट जिसने पढ़ा है तो उसने पढ़ा होगा इन्वर्टेड फिल्टर, अगर आपने नाम पढ़ा हो तो। एक मटेरियल होता है इन्वर्टेड फिल्टर, छोटे से बड़ा बड़ा मटेरियल ऊपर की तरफ प्रोवाइड करते हैं जिसे बोलते हैं इन्वर्टेड फिल्टर, वो उसी टाइप का ये कुछ काम है, उसी टाइप पे ही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम पर, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है इसका, इसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब क्या कहें इस क्वेश्चन के बारे में, इतनी जगह ये आ चुका है। इसका विड्थ पूछ रहा है, बार बार क्या पूछता है, विड्थ ऑफ लॉन्चिंग एप्रोन। ये एग्जाम में बेटा बहुत बार आ चुका है, मतलब मोस्टली बार ये एग्जाम में पूछ चुका है। 1.5D, यहाँ पे D आपके पास क्या होता है, ये होता है डेप्थ ऑफ स्कोर। जितना आपके पास डेप्थ स्कोरिंग होती है उतने डेप्थ तक इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ स्कोरिंग, जितनी डेप्थ तक स्कोरिंग होती है उतने डेप्थ तक इसको प्रोवाइड करते हैं, उसका भी 1.5 टाइम्स लिया जाता है। क्या ये इसकी मैं विड्थ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं इसकी विड्थ बता रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लिए क्या बेटा, सर डायग्राम में विड्थ बताना, डायग्राम में विड्थ बताएं, बेटा इस जगह पे आप प्रोवाइड करते हैं, इस जगह पर, यहां पर इस जगह पे, ये यहाँ पे होती है विड्थ, इस जगह पर, इन जगह पर होती है, ये है विड्थ यहाँ पर इसकी। अरे तो ही तो कह रहे हैं एप्रोन लगाने के लिए पहले स्कोरिंग डेप्थ निकाली जाती है कि अगर नहीं लगाते तो कितने डेप्थ तक स्कोरिंग होती, तो ही उसका 1.5 टाइम्स प्रोवाइड करते हैं अंकुश बेटा, उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं। तुम भी बेटा रुला हो गया मैं भी, ठीक है। स्कोरिंग ना हो इसलिए ऐप प्रोवाइड करते हैं, इसलिए पहले पता होना चाहिए कि स्कोरिंग कितने डेप्थ तक हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तीसरा कंपोनेंट जो है इसका, उसका नाम क्या था, फिश लैडर। नाम क्या था, फिश लैडर। अब आपको फिश लैडर दिखा रहे हैं हम अभी, ठीक है, देख लो ये रहा। अब तुम यहाँ बैठे हो, तुम कहाँ बैठे हो, मान के चलो जो ये आयुष है ये यहाँ बैठा है, कहाँ पर, इस डिवाइड बोर्ड पर, इस डिवाइड बोर्ड के ऊपर यहाँ बैठा है, इस जगह पर ये बैठा है, ठीक है, चलो यहाँ बैठा है ये, और ये यहाँ पे देख रहा है। ये इस तरीके से आपके पास एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रखा है जस्ट डिवाइड बोर्ड के साइड में,
किस तरीके से, इस तरीके से आपके पास वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है, यहाँ से पानी आता है और चली जाता है। तो मतलब होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे ये बना देते हैं तो इस जगह पर ही सारे के सारे जो हमारे पास रिवर होगी, जो हमारे पास ये मछलियाँ होगी, ये यहीं पर इकट्ठी रहेगी। तो पानी का मछली क्या होता है कि आगे फ्लो कर सके, इस कारण से यहाँ पे एक रास्ता बना दिया है जिसको क्या बोलते हैं, फिश लेवर बोलते हैं। ठीक है, लॉन्चिंग अप्रोन कंपोनेंट में या डिवाइड बोल के अंदर नहीं चल रहा है। अरे ये बाहर होता है, बाहर बाहर होता है, मैंने बताया है कि बाहर का मटेरियल है जो यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है राहुल बेटा, ये लॉन्चिंग अप्रोल बाहर की तरफ का मटेरियल है, मैं दिखाऊं तुम्हें। अब ये डायग्राम हटाना पड़ेगा, मैं अभी दिखा दूंगा। लॉन्चिंग अप्रोन जैसे कंपोनेंट होंगे मैं आपको एक डायग्राम में दिखा दूंगा। ठीक है समझ गए क्या, फिश लेडर का काम क्या होता है, वहां पर रिवर का, रिवर के अंदर से फिश का फ्लो हो सके, इस कारण से वहां पे क्या लगाते हैं, फिश लेडर लगाते हैं। ओके, अब आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि फिश क्या करती है कि ये जो आपके पास मछलियां हैं इनका एक काम रहता है, ये अप स्ट्रीम की तरफ, ये डाउन स्ट्रीम की तरफ कब जाती है, ये डाउन स्ट्रीम की तरफ कब जाती है, जब आपके पास क्या हो, ठीक है, ये कब जाती है डाउन स्ट्रीम की तरफ, ये जाती है अपने पास सर्दियों के सीजन में। कब जाती है, सर्दियों के सीजन में। होता क्या है, सर्दियों के सीजन में पानी गर्म हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ऊपर का तो ठंडा रहता है, नीचे का बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, फिश तैरेगी नहीं इसमें, क्या तैरेगी नहीं, तैरेगी नहीं, आगे चल जाती है। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे ही विंटर सीजन आता है तो पानी, मछलियों को लगता है कि मुझे क्या चाहिए, गर्म पानी, तो वो आगे फ्लो करती जाती है, वो सोचती है कि आगे गर्म मिलेगा, आगे गर्म मिलेगा, आगे गर्म मिलेगा, आगे गर्म मिलेगा, तो वो सारे के सारे फिश कहाँ चल जाती है, डाउन स्ट्रीम में। याद रखना, जब भी सर्दी होगी तो मछलियाँ किस तरफ जा रही होगी, डाउन स्ट्रीम की तरफ, और क्या सर्च करने के लिए, गर्म पानी को, गर्म पानी को। ठीक है, टकराएगी नहीं, इतना चौड़ा रखा जाता है, इतना चौड़ा, अपने आप चल जाती है पानी के फ्लो के साथ में। टकराएगी तो मरेगी थोड़ी ना, टकराने से नहीं मरती है। टकराने से क्या मर जाएगी, क्या थोड़ा बहुत इधर उधर हो के चला जाएगा। ठीक है हाँ। चलिए फिर बात करते हैं, जो फिश होती है ये अपस्ट्रीम में कब आती है, ये अपस्ट्रीम में आती है सर गर्मियों के सीजन में। ठीक है सर, फिश है यार वो, उनको सुन। ठीक है, जो फिश है ये अपस्ट्रीम में, मतलब ये जो मछलियां है ये वापस अपस्ट्रीम की तरफ भी जाती है। कब जाती है, गर्मियों के सीजन में। होता क्या है, जब आपके पास बरसात होती है गर्मियों के टाइम पे, मानसून सीजन, तो बहुत सारा पानी रहता है जो तेजी से फ्लो होने लगता है, और गंदा पानी आता है बहुत ज़्यादा उस टाइम पर, क्योंकि साइड की जो सोइल होती है वो भी रिवर में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो उनको लगता है कि यार साफ पानी कहाँ मिलेगा, तो वो क्या करती है कि वो आगे की तरफ मूव करती है, कहाँ पर, इस तरफ मूव करती है, और क्या सर्च करने के लिए, क्लीन वाटर को, साफ पानी को ढूंढने के लिए कहाँ जाती है, ऊपर। उनको लगता है पानी गंदा आ रहा है तो मतलब आगे की तरफ ठीक होगा, तो वो अपस्ट्रीम की तरफ चलने लगती है। ठीक है, तो याद रखना कि मछलियाँ डाउन स्ट्रीम में कब जाएगी, गर्मी के सीजन में, सर्दियों के सीजन में, और क्या फाइंड करने के लिए, गर्म पानी को, और जबकि ये अपस्ट्रीम में वापस जाती है क्योंकि आगे गंदा पानी आता रहता है, तो उनको लगता है कि साफ पानी पीछे की तरफ रह चुका है जो पहले छोड़ के आई है, तो वापस पीछे चल जाती है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास, वही चीज़ें मैं आपके पास यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिश लेडर के अंदर सबसे पहला जो इसका पर्पस है वो बता देता हूँ, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, यूज फॉर फिश माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, आने जाने के लिए ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इट इज प्रोवाइडेड नियर दी, इट इज प्रोवाइडेड नियर दी डिवाइड वॉल, नियर दी डिवाइड वॉल फॉर मूवमेंट
फॉर मूवमेंट ऑफ फिश नोट करके फिश ट्रैवल अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इन इन विंटर सीजन इन विंटर सीजन फॉर फॉर पाउंड वार्म वाटर गर्म पानी को ढूंढने के लिए ये अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम चल जाती है। सर फिश हेडर मछली के जानने के लिए होती है अकॉर्डिंग टू सीजन। हाँ बिल्कुल सही बेटा धीरज। लेकिन सर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लेवल में डिफरेंस तो कैसे वापस जाएगी? अरे यार वो मछली है वो कहीं भी जा सकती है, वो इतने बड़े समुंदर में घूमती रहती है। तुम क्या इस रिवर की बात कर रहे हो? वो समुंदर में घूमती रहती है, तुम रिवर के अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की सोच रहे हो। समुंदर में कितना डेप्थ होता है समझते हो? किलोमीटर्स में होता है। जब वो वहाँ पे घूम ली तो अपने पास रिवर में कितना होगा? तुम भी विपिन बेटा रुला दोगे तुम भी हमें एक दिन तो। ठीक है फिश ट्रैवल डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम इन इन समर सीजन फॉर फाउंड क्लीन वाटर क्लीन वाटर। पाप लगेगा ऐसा। बात यह है कि ये चीज हमें किसी इंसान के लिए बताई जाती है कि यार पानी का लेवल है तो कैसे होगा, पानी आगे से ज़्यादा आ रहा है इंसान फ्लो नहीं कर पाएगा। तो हमारे माइंड में वो एक साइकोलॉजी बन चुकी है कि मछली कैसे जाएगी। अरे भाई वो मछली है उसका जिंदगी है वहाँ पर। अब हम तुमसे यूँ तो नहीं कह सकते हैं तुम अमेरिका कैसे जाके रहोगे, तुम रशिया कैसे जाके, तुम चले जाओगे वो कैसा ही हो, मानना कि तो वो ठंडा इलाका हो तब भी तुम चले जाओगे। लेवल डिफरेंस है सर डाउन स्ट्रीम। अरे तुम देखना भाई मैं कह रहा हूं चली जाएगी, मानते क्यों नहीं? अरे नीचे से रास्ता बना नीचे से रास्ते होते हैं भाई, चली जाएगी वो। ठीक है बेटा पहला पार्ट किस लिए है? फिश के माइग्रेशन के लिए। कहाँ होता है? डिवाइड वॉल के पास में। अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम कब जाएगी? विंटर में। क्या फाउंड करने के लिए? गर्म पानी को। डाउन से अप स्ट्रीम कब जाएगी? समर सीजन में। क्या फाइंड करने के लिए? क्लीन वाटर। क्लीन वाटर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है स्टॉकफिश लेवल। क्या तो चली जाती है। ठीक है बना लिया क्या? फिश यहाँ पे पानी का लेवल ऐसे होता है, फिश लेटर से पानी आ जा सकता है। पानी का लेवल सिर्फ ऐसा होता है, मछलियाँ पानी से चली जाती है ये होता है। जो फिश लेटर है वहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, पानी हमेशा अवेलेबल होता है तो पानी से यहीं से चल जाएगी। ये बात याद रखो, ये तुम्हारे पास डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है और ये फिश लेटर वाली जगह है जहाँ से पानी जाएगा, ऐसे रहता है। बस इतना सा याद रखो तुम। मैंने कहा कि तुम्हें अगर ये चीज़ देखनी है तो जा सकते हो डैम के पास में, मैं डायग्राम ही दिखा सकता हूँ। ठीक है इसलिए चौथा जो कंपोनेंट है इसका नाम है अंडर स्लाइसिस। अंडर स्लाइसिस इसका दूसरा नाम है जिस नाम से आता है, इसे स्कोरिंग स्लाइसिस भी कहते हैं। स्कोरिंग स्लाइसिस भी कहते हैं। ठीक है अब देखो होता क्या है। ठीक है ये होता क्या है,
देखो यहाँ पर और यहाँ पर देख लो, इस जगह पर ही देख लो, काफी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या रहता है, इस दीवार को मैं सामने से बना रहा हूँ, इस दीवार को मैं सामने से बना रहा हूँ। होता क्या है, यहाँ इस दीवार के यहाँ पे इस तरीके से यहाँ टनल बनी होती है। अब क्या होता है कि जो भी रिवर आ रही है तो रिवर के साथ में क्या सिल्ट होगा भाई, जब रिवर जो फ्लो कर रही है उसके साथ में सिल्ट होगा, तो जैसे ही ये इस दीवार ये जेवियर पे आके रुकेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस दीवार के ऊपर जो दीवार है यहाँ पे आके क्या होगा, फ्लो स्टॉप हो जाएगा। फ्लो स्टॉप होने के कारण जो सिल्ट होती है वो नीचे जाके सेट हो जाती है, इन जगह पे इस टनल में सेट हो जाती है जहाँ पे लगा होता है सिल्ट एक्सक्लूडर। जहाँ पे क्या लगा होता है, सिल्ट एक्सक्लूडर लगा होता है जहाँ से इन मिट्टी को निकाल दिया जाता है। ओके, अब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर इसके बॉटम में इनको निकालने के लिए सिल्ट एक्सक्लूडर तो यहाँ से निकाल देगा, और मान लो कुछ बच भी जाएगा तो वहाँ पे आपके पास क्या करेंगे, इस दीवार के नीचे एक छोटे छोटे से गेट बना रखे हैं, ऐसे छोटे छोटे से क्या कर रखे हैं, गेट बना रखे हैं। ये जो गेट होते हैं इनको बोलते हैं अंडर स्लाइसिस। क्या बोलते हैं, अंडर स्लाइसिस। जो भी आपके पास सिल्ट बच जाती है, जो भी आपके पास सिल्ट बच जाती है, जो जितना सिल्ट एक्सक्लूडर निकाल पाएगा निकाल देगा, और जितनी भी सिल्ट बाकी नीचे बच जाएगी वो गेट ओपन कर दिए जाते हैं, यहाँ से गेट ओपन कर दिए जाते हैं, और जितनी भी सिल्ट होगी उसको कहाँ भेज देंगे, डाउन स्ट्रीम में। समझ गए क्या, तो मतलब अंडर स्लाइसिस क्या होते हैं, ये बॉटम में जो आपके पास क्रिस्ट वॉल है इसके बॉटम के अंदर ही गेट लगे हुए हैं, जो भी सिल्ट बचा हुआ है सिल्ट एक्सक्लूडर के बाद में उनका उस सिल्ट को कहाँ भेज देती है, डाउन स्ट्रीम में, उसको कहाँ भेज देती है, डाउन स्ट्रीम में। समझ गए क्या कि अंडर स्लाइसिस का काम क्या होता है, सिल्ट को अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम पे भेज देना, और ऐसे नीचे गेट बने होते हैं ऐसे छोटे छोटे से। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या होता है, बताओ जल्दी फिर आगे बढ़े। ठीक है चलो, ठीक है बना देने इस तरीके से गेट, अगर याद ना रहे तो। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्रेस्ट वॉल होती है, ये क्रेस्ट वॉल होती है, और यहाँ बीच में इस तरीके से गेट बना रखे हैं ऐसे, इन्हें बोलते हैं क्या, अंडर स्लाइसिस। ठीक है, सिल्ट को मूवमेंट के लिए क्या बोलेंगे इसमें, दीज आर दी ओपनिंग, दीज आर दी ओपनिंग प्रोवाइडेड, दीज आर दी ओपनिंग प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड एट दी बेस ऑफ प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ वॉल, एट द बेस ऑफ वॉल, या फिर यहाँ पे सिंपल से देख लो, बेस ना आए तो एग्जाम में आ जाएगा क्या, बॉटम ऑफ क्रेस्ट वॉल, बॉटम ऑफ क्रेस्ट वॉल ये आ जाएगा, याद रखना एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बेस ऑफ वॉल बोले या बॉटम ऑफ क्रेस्ट वॉल बोले, वहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इसका पर्पस याद रखना, पर्पस क्या है इसका, फॉर रिमूविंग सिल्ट, फॉर रिमूविंग सिल्ट इन वाटर फ्रॉम, फॉर रिमूविंग सिल्ट इन वाटर फॉर अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। ठीक है, फॉर रिमूविंग सिल्ट इन वाटर फॉर अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। ठीक है, या लिख दो फ्लोविंग, रिमूविंग ही आता है एग्जाम में, बट ये पानी को फ्लो करवा के गिर देती है। ठीक है, फॉर रिमूविंग सिल्ट इन वाटर फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। बेस के बाद क्या लिखा है, बेस ऑफ वॉल, बेस ऑफ वॉल, रिमूविंग सिल्ट
रिमूविंग सिल्ट फ्रॉम वाटर बाय फ्लोविंग अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम बाय फ्लोविंग अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। सर जब रिवर में वाटर तेज फ्लो हो रहा है तो फ्लो की वेलोसिटी बॉटम और टॉप सेम ही रहते हैं क्या? नहीं बेटा, इसका आंसर तो कोई भी बता देगा, इसका आंसर तो कोई भी बता देगा। जब आपके पास फ्लो हो रहा है पानी का तो टॉप पर क्या होगा? टॉप पर क्या होगा बताओ? बॉटम में स्लो और टॉप पे हाई, कोई भी बता देगा इसका रीजन। बना लिया क्या बेटा? ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सेल्फ कंट्रोल पांचवा कंपोनेंट है लास्ट, सेल्फ कंट्रोल डिवाइस। सेल्फ कंट्रोल डिवाइस में हमने दो चीज़ें लगाई थी, एक का नाम था आपके पास सेल्फ एक्सक्लूडर और दूसरे का जो नाम है उसका नाम है सेल्फ इजेक्टर। सेल्फ इजेक्टर और या कह सकते हैं सेल्फ एक्सट्रैक्टर, सेल्फ एक्सट्रैक्टर, ये दो नाम हैं। बस देखो इसमें क्या होता है सर, इसका विस्कोसिटी की वजह से होता है क्या? नहीं, जो रेजिस्टेंस है, लेयर का रेजिस्टेंस है इस कारण से, लेयर का जो रेजिस्टेंस है इस कारण से, ठीक है, नीचे वाली के ऊपर ऊपर का प्रेशर लगता है और ऊपर वाले के ऊपर फ्री फ्लो होता है, ग्रेविटी फ्लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता होंगे इस कारण से। बेटा ये जो ना सेल्फ एक्सक्लूडर है और सेल्फ इजेक्टर या सेल्फ एक्सट्रैक्टर, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, सिर्फ एक क्वेश्चन, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, क्या पूछता है, कहाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपके बता रहा हूँ सेल्फ एक्सक्लूडर कहाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए इट इज ए स्मॉल टनल, इट इज ए स्मॉल टनल अरेंजमेंट, इट इज ए स्मॉल टनल अरेंजमेंट प्रोवाइडेड, स्मॉल टनल अरेंजमेंट प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ वियर। ठीक है, दूसरा यूज टू कलेक्ट सिल्ट फ्रॉम अपस्ट्रीम वाटर, कलेक्ट सिल्ट फ्रॉम अपस्ट्रीम वाटर। अब कहाँ प्रोवाइड करते हैं वो मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रोवाइडेड एट अपस्ट्रीम साइड ऑफ कैनाल या फिर रिवर। ठीक है, या क्या है, एक एग्जाम में अगर ये आंसर नहीं आया तो क्या आएगा, provided on upstream side of head regulator। एक बार नोट कर लो फिर मैं आपको समझाता हूँ, इसके बारे में। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।
कर लिया। देखो देखो अब इसमें देखो, सबसे पहले आपके पास यहां पे मैंने क्या लिखा है, स्मॉल टनल होते हैं, दूसरा कलेक्ट करता है सिल्ट को अपस्ट्रीम से, और कहाँ प्रोवाइड करते हैं, अपस्ट्रीम साइड ऑफ कैनाल या अपस्ट्रीम साइड ऑफ हैंड रेगुलेटर। देखो क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यहाँ पे इस टाइप से टनल प्रोवाइड करते हैं, याद है मैंने अभी अभी बताया है कि यहाँ पे टनल प्रोवाइड करते हैं, और ये जो टनल प्रोवाइड करते हैं ना, इन्हीं को ही बोला जाता है आपके पास क्या, सिल्ट एक्सक्लूडर। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पानी आके रुकेगा वो पानी का फ्लो कम होगा, पानी का फ्लो कम होगा तो पानी के अंदर जो सिल्ट है वो नीचे सेट होने लगेगी और इन टनल के अंदर सेट हो जाती है, जहाँ से इन टनल को साफ करके सिल्ट को निकाल दिया जाता है। तो अब ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये हो गया अप स्ट्रीम और ये इसके बाद का क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। तो ये कहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, वियर के अप स्ट्रीम साइड पर, क्लियर है। दूसरी बात, ये ऑफ टेकिंग केनाल है, ऑफ टेकिंग केनाल पे जो स्ट्रक्चर लगाते हैं उसे केनाल हेड रेगुलेटर कहते हैं। तो एक केनाल रेगुलेटर का ये क्या हो गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया। तो मतलब केनाल हेड रेगुलेटर आ गया तो उसके भी अप स्ट्रीम पर आ गया। तो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, या तो वियर का अप स्ट्रीम होगा या फिर केनाल का अप स्ट्रीम होगा। एंडोस्लाइसिस का भी तो यही काम है। हाँ बेटा बिल्कुल सेम काम होता है, जो भी सिल्ट बच जाती है, जो भी सिल्ट बच जाती है जो इस टनल में नहीं जा पाती, जो सीधा ही सरफेस पे चल जाती है, उनको निकाल देते हैं एंडोस्लाइसिस से, ठीक है, उनको निकाल देते हैं एंडोस्लाइसिस से। या फिर आप और तरीके से देखना चाहो तो यहाँ पे सिल्ट एक्सक्लूडर लगा दिए और यहाँ पे आपके पास क्या लगा देंगे, अंडर स्लाइसिस लगा देंगे। वैसे तो दोनों अरेंजमेंट होते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पे अंडर स्लाइसिस यहाँ पे भी लगाते हैं, अंडर स्लाइसिस नीचे नीचे प्रोवाइड करेंगे इन दीवार के नीचे, और जैसे ही आपके पास पानी कम होगा और जो सिल्ट जमा होगी तो वो खोल के यहाँ से फ्लो करवा देते हैं। समझ गए क्या, जो ये अंडर स्लाइसिस होते हैं ना, ये पूरे गेट पे प्रोवाइड होते हैं, पूरे गेट पर, जबकि जो सिल्ट एक्सक्लूडर है वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इस जगह पर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, चले आगे चले। चलो सेकंड सेकंड सेल्ट इजेक्टर या फिर कह सकते हैं सेल्ट एक्सक्लेटर। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, सेल्ट इजेक्टर का दूसरा नाम क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो यही तुम्हारे है। सिल्ट एक्सट्रैक्टर को ही सिल्ट एक्सट्रैक्टर कहते हैं, वो एक्सक्लूडर है, वो क्या है, एक्सक्लूडर है, ये क्या है, एक्सट्रैक्टर, ठीक है। कुलदीप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, कुलदीप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप, और मेरी बात आप लोग मानो तो अभी क्लास के स्क्रीनशॉट लिया करो। मैं चाहता तो नहीं बट समझ पा रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, दीज आर मैकेनिकल डिवाइस, दूसरी बात, ठीक है, इट इज ए डिवाइस टू रिमूव सिल्ट फ्रॉम द canal water
फ्रॉम द कैनाल वाटर, ठीक है। अब नोट करके जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, जो बार बार एग्जाम में आता है, इट इज प्रोवाइडेड, इट इज प्रोवाइडेड ऑन द, इट इज प्रोवाइडेड ऑन द डाउनस्ट्रीम, ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ हेड रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर, ओके। ये आपके पास क्या यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, डाउनस्ट्रीम साइड पर, बस यही याद रखना है। दूसरा, ये मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, मैकेनिकल डिवाइस होते हैं। डिफरेंस क्या है सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट एक्सट्रैक्टर में? बेटा जो सिल्ट एक्सक्लूडर होते हैं, यहाँ पर सिर्फ इसको जो सिल्ट आ रही है उनको स्टोरेज करके रखते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं, जबकि सिल्ट इजेक्टर क्या करता है, सिल्ट को वहाँ से फेंक देता है निकाल के, कैसे फेंक, ऐसे निकाल के फेंक देता है। क्या कह रहा हूँ मैं, जो आपके पास सिल्ट एक्सक्लूडर है ना, ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, ये क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, किसका, सिल्ट का, किसमें, टनल के अंदर, किसमें, टनल के अंदर। और ये क्या करते हैं, रिमूव ही कर देते हैं पूरा की पूरा, पूरा की पूरा ही रिमूव कर देते हैं वहाँ से। क्या होता है देखो, नोट कर लिया, मैं दिखाऊँ आपको, नोट कर लिया, ये क्या करते हैं, ये यहां लगे होते हैं, ये यहां लगे होते हैं इस जगह पर, इस जगह पर ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से अपना एक जाल बना लेते हैं, ये अपना इस तरीके से एक जाल बना लेते हैं। और जाल इस तरीके से बनाया जाता है कि पानी तो जा सके बस सिल्ट ना जा सके। मैं क्या कह रहा हूं, ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि पानी तो जा सके बट सिल्ट ना जा सके। जितना भी सिल्ट है इनमें जाके रुक जाता है और वहां पे इसको रोक कर, इसको रोक देते हैं और यहां से जितना भी ये है उनको निकाल लेते हैं। समझ गए क्या मतलब, आपके पास यहाँ पे पानी में मिट्टी नहीं जाएगा, सारा मिट्टी यही रोक लेता है, जबकि जो सिल्ट एक्सक्लूडर है ये सभी मिट्टी को नहीं हटा पाता, जितने भी सिल्ट हैं सभी सिल्ट को नहीं हटा पाता, बट ये जो है ये सभी सिल्ट को हटाएगा यहाँ से। सिल्ट इजेक्टर और डिस्लेजर्स का एक ही काम है ना बेटा, हाँ एक ही काम है, मिट्टी को निकालना, ठीक है। ये पानी से निकाल देता है, एंडोसोलाइसिस पानी को डाउनस्ट्रीम में भेज देता है मिट्टी के साथ में, पर ना बेटा जो मिट्टी है सोलाइसिस तो डाउनस्ट्रीम में भेज देगा और ये पानी के अंदर से मिट्टी को बिल्कुल हटा देगा। समझ गए क्या, कहाँ पे लगा होगा, इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं हम, फाइन कोर्स, ठीक है, इसको ऑफटेकिंग कैनाल में ही प्रोवाइड करते हैं बस। हाँ ऑफ टेकिंग में करते हैं, मैंने लिखा भी है, मैंने इसमें लिखा भी है, देखो डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ हेड रेगुलेटर, तो वो क्या हो गया, क्या हो गया, वो ऑफ टेकिंग कैनाल ही है, ठीक है, जाली जैसा है, हाँ जाली जैसा ही है, नहीं नहीं रिवर में नहीं लगाते, ऑफ टेकिंग में, देखो लिख रखा मैंने हेड रेगुलेटर के डाउनस्ट्रीम, तो वो कौन सी हो गई, वो ऑफ टेकिंग कैनाल हो गई बेटा। क्लियर है सभी को, क्लियर है क्या, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया बट मैं तब भी आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, इनका एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ सिल्ट, एफिशिएंसी ऑफ सिल्ट इजेक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आई यू माइनस आई डी डिवाइड बाय आई यू, इस तरीके से निकाला जाता है। और परसेंटेज के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। आई यू का मतलब क्या है, आई यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पास सिल्ट इंटेंसिटी, सिल्ट इंटेंसिटी इन अपस्ट्रीम वाटर, इन अपस्ट्रीम वाटर। आई डी का मतलब क्या है, सिल्ट
एक्सटेंसिटी इन डाउनस्ट्रीम वाटर, ये रहता है इन डाउनस्ट्रीम वाटर। अरे ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास हेड रेगुलेटर है। हेड रेगुलेटर के ये क्या है अपस्ट्रीम, और हेड रेगुलेटर के ये क्या है डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम पे प्रोवाइड करते हैं क्या, सिल्ट एक्सक्लूडर, एक्सक्लूडर, और डाउनस्ट्रीम में क्या प्रोवाइड करते हैं, सिल्ट इजेक्टर। ये होता है बेटा इसका मतलब। ओके चलिए 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 चलो, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो आपके पास क्या है, पार्ट सेकंड, थ्योरी ऑफ सीपेज। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सीपेज। थ्योरी ऑफ सीपेज में हमें सीपेज को लेकर जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है, ये पार्ट सेकंड है, ये क्या है इसका पार्ट सेकंड है इसका। थ्योरी ऑफ सीपेज में क्या होता है कि जो ये वियर है या बिराज है, ये आपके पास दो तरीके से फ्लो होते हैं, दो तरीके से फेलियर होते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जो आपके पास ये जो वियर बनाया जाता है, ठीक है, ये जो आपके पास वियर बनाया जाता है, ये आपके पास बनाया जाता है, सोइल कौन सी होती है, यहाँ पर सोइल होती है परमेबल सोइल। कैसी सोइल होती है, परमेबल सोइल। परमेबल सोइल की एक चीज होती है, परमेबल सोइल का एक बात होता है सर, क्या लास्ट ईयर में वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या एग्जाम में? हाँ बेटा, सारे एग्जाम में 70% क्वेश्चन पास्ट ईयर के होते हैं, 60-70% क्वेश्चन पास्ट ईयर के ही होते हैं तुम्हारी पसंद। सच कह रहा हूँ, बेस्ट टाइम यही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, सेफ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता। सुन लो जल्दी आ जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो वियर है वो परमेबल सोइल पे बनाई जाती है। परमेबल सोइल है तो यहाँ से जो पानी इसको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं वो पानी अंदर जाता है, जो क्या करता है, सीपेज करता है, और यही जो सीपेज करता है वाटर, वो इस वियर को क्या करेगा, फेल करेगा। तो वियर को ये जो सीपेज वाटर है, ये जो फेल कर रहा है, इसको बचाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, जिसको हम कहाँ पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सीपेज में पढ़ेंगे। क्लियर है, थ्योरी ऑफ सीपेज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपके पास यही बताने वाला हूँ यहाँ पर कि जो थ्योरी ऑफ सीपेज आपके पास क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, ये आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है, फेलियर ऑफ वियर। सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ते हैं, फेलियर ऑफ वियर ऑन परमेबल सोइल। याद आ रहा है कुछ बेटा, तुमने ही भेजा था, ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे फेलियर किस किस टाइप से हो सकता है। यहाँ फेलियर होता है दो टाइप से, ठीक है, एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास होता है फेलियर, फेलियर ड्यू टू सब सरफेस फ्लो, और एक आपके पास होता है फेलियर, यहाँ पे फेलियर ड्यू टू सरफेस फ्लो, फेलियर ड्यू टू सरफेस फ्लो। सरफेस वाला सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार सरफेस फ्लो में क्या होता है। मान के चलो पानी आ रहा है, देखो ये जो वियर है, ये जो पानी आ रहा है कौन रोक रहा है, ये जो पानी आ रहा है कौन रोक रहा है, वियर रोक रहा है ना। जब ये जो वियर है आपने इसका डिजाइन अच्छे से नहीं किया,
डिजाइन अच्छे से नहीं किया, इसका कैपेसिटी आने वाले अप स्ट्रीम फ्लो से क्या रख लिया, कम, तो जो ये पानी आएगा ना, ये पानी इसको क्या कर देगा, फेल कर देगा। तो मतलब जो सरफेस फ्लो है इसमें आपके पास क्या होगा कि जो पानी का इंटेंसिटी है, जो प्रेशर आ रहा है, वो आपके पास वियर की कैपेसिटी से क्या है, ज़्यादा है। तो आपके पास ये पानी इस वियर को अपने साथ में ले जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेलियर। तो ये आपके पास फेलियर कैसा होगा, फेलियर ड्यू टू सरफेस फ्लो। क्या हो जाएगा, फेलियर ड्यू टू सरफेस फ्लो। क्लियर है कि सरफेस फ्लो में कैसे फेल होगा। ओके, सब सरफेस फेलियर में कैसे होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सब सरफेस में कैसे फेल होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं हेडिंग डालना, फेलियर, फेलियर ड्यू टू सब सरफेस फ्लो, फेलियर ड्यू टू सब सरफेस फ्लो, ठीक है। चलो इसके दो कारण होते हैं, फेलियर ड्यू टू सब सरफेस फ्लो के दो कारण से होते हैं। पहला आपके पास जो कारण है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपलिफ्ट। क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर। और जो दूसरा फेलियर का कारण है यहाँ पे सब सरफेस में, इसको बोलते हैं पाइपिंग। पाइपिंग बोलो, बॉयलिंग बोलो, ठीक है, अंडरपिनिंग बोलो, सबका मतलब यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है। अंडरमाइनिंग बोलो, आपके पास सबका मतलब क्या है, सेम है। क्लियर है, चलो ठीक है। तो अपलिफ्ट प्रेशर की बात करते हैं पहले, सबसे पहले अपलिफ्ट प्रेशर की बात करते हैं। सर सेकंड वाला सोइल में था, ये बेटा दोनों ही सोइल में है, ये वैसे दोनों ही सोइल में है, बट डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा अच्छे से, दोनों ही होता है वहाँ पर, ठीक है। चलो नोट कर लिया क्या, ये नोट कर लिया, चलिए पहला बता रहा हूं मैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, अपलिफ्ट प्रेशर फेलियर। अपलिफ्ट प्रेशर फेलियर, देखो 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 देखो, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ये रहा तुम्हारे पास वियर, ये तुम्हारे पास वियर है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये वियर है। और इस वियर के अंदर जो यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पर ये जो पानी है, इसको बोल दिया हमने क्या, H1। क्या बोल दिया, पानी। ये क्या है, इसका अपस्ट्रीम। जब ये डाउनस्ट्रीम में जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ पानी होगा इस तरीके से, यहाँ को तुम बोल दो क्या, H2। और ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो भी लॉस हो रहा है ना पानी का, जो भी आपके पास लॉस हो रहा है, इसको मैंने क्या बोला है, आपके पास कैपिटल H, जो कि क्या होता है, H1 - H2। ओके, ये मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, हेड लॉस कह सकते हैं। ये क्या बोल दिया हमने, हेड लॉस कह दिया। जब भी पानी अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में जाता है ना, तो कुछ ना कुछ पानी का लॉस करता है। क्यों, क्योंकि पानी कहाँ रह चुका है, इस जमीन के नीचे रह चुका है, पूरा की पूरा पानी वहां पे नहीं जाता, कुछ पानी कहाँ रह गया, नीचे रह गया। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, इनके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम फ्लो के अंदर क्या होता है, वेरी करता है। क्लियर है, एच क्या है यहाँ पे, हेड लॉस है। ओके, अब यहाँ पे बेटा होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। यहाँ का जो पानी है ना, पानी को आपने वियर बना के रोक दिया, और वियर पानी को रोक सकता है, बट इसको अपन की कंट्रोल कर सकता है, बट रोक नहीं सकता। अगर ये पानी आगे की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो पानी किस डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा। क्या मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पानी सीधा नहीं जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा क्या। और ये जो पानी आपके पास जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये पानी नीचे की तरफ जाएगा। और जब पानी आपके पास नीचे की तरफ जाता है ना, तो एक प्रेशर लगाता है ऊपर की तरफ, एक
प्रेशर लगाता है ऊपर की तरफ। जब भी ये पानी नीचे से जाने लगेगा, नीचे से जाने लगेगा, तो ऊपर की तरफ क्या लगाता रहेगा, प्रेशर लगाता रहेगा। जब आपके पास ये प्रेशर जो है, ये नाम क्या है इसका, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका नाम क्या पड़ गया, थोड़ा सा डर गए, ठीक है चलिए, जब ये पानी यहां से फ्लो करता हुआ जाएगा और नीचे से प्रेशर लगाएगा, जिसे हमने क्या बोला था, अपलिफ्ट प्रेशर। ये जो प्रेशर है, सिंपल से याद रखना, जब आपके पास अपलिफ्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर किससे ज्यादा हो जाएगा, वेट ऑफ वियर से, वेट ऑफ वियर से क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो समझ जाना ये फेल हो गया, समझ जाना ये फेल हो गया। क्योंकि बेटा होता क्या है कि ऊपर से लग रहा है वियर का वेट, नीचे से लग रहा है सोइल का प्रेशर, वाटर का प्रेशर, तो ये ज्यादा हुआ तो ये प्रेशर को रोक लेगा, बट ये ज्यादा हुआ तो बेटा ये वियर को क्या करेगा, फेंक देगा। तो यही आपके पास होता है कि जब भी अपलिफ्ट प्रेशर ज्यादा होगा सेल्फ वेट ऑफ वियर से, तो समझ जाना कि ये फेलियर होगा, ये फेलियर होगा। तो मान के चलो तुमने वियर लगाया, पानी गया, अपलिफ्ट प्रेशर हो रहा है और फेलियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे बचना है, मैं क्या करूँगा, मुझे बचना है, तो मैं डिजाइन कैसे करता हूँ बचाने के लिए। मुझे पता है सर पानी नीचे से जाएगा तो स्ट्रक्चर बैंड होगा ना, स्ट्रक्चर बैंड होगा, बेटा नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेल्फ वेट के कारण रोक रहा है, सेल्फ वेट के कारण रोक रहा है, इतना ज़्यादा नहीं होता कि इसको बैंड कर दे, क्रैक्स जनरेट कर देता है, ऐसे नहीं होगा कि फेलियर कर देगा, क्रैक्स जनरेट करता है। जिस क्रैक्स के कारण से क्या होता है कि वो क्रैक्स धीरे धीरे करके भरने लगते हैं और एक टाइम पर आके क्या कर देगा, फेल कर देगा, ऐसे होता है। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा था, मुझे यहाँ पे सेव करना है, मुझे पता है कि पानी नीचे से जाएगा तो प्रेशर लगाएगा और इसको क्या कर देगा, फेल कर देगा। तो मुझे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बचने के लिए यहाँ पर इसके यहाँ से लेकर इसके यहाँ तक जहाँ तक भी अपलिफ्ट प्रेशर लग सकता है, तो मैं एक नीचे यहाँ पर इसका क्या करूँगा, इसका थिकनेस, इसके थिकनेस को बढ़ा दूंगा, इसके स्ट्रक्चर के थिकनेस को बढ़ा दूंगा। अब जब मैं इसके बॉटम से थिकनेस को बढ़ाऊंगा ना, तो इसका जो सेल्फ वेट होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। समझ गए क्या मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं नीचे एक स्लैब बना दूंगा जिसकी थिकनेस डिपेंड करेगी प्रेशर कितना लग रहा है, उसको इस तरीके से बनाएंगे कि आपके पास ये वेट को रोक ले। बेटा जो फिल्टर मीडिया होता है वो पाइपिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर फिल्टर मीडिया पे नहीं करेगा, समझिए क्या लोकेश बेटा, फिल्टर मीडिया किसको रोकता है, पाइपिंग को रोकता है, इसको नहीं रोकता। क्लियर हो गया, चलो अब इसके बारे में लिख लेते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन, कब फेल होगा, कब फेल होगा, इफ इफ अपलिफ्ट प्रेशर, इफ अपलिफ्ट प्रेशर, इफ अपलिफ्ट प्रेशर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन सेल्फ वेट ऑफ फियर, ग्रेटर देन सेल्फ वेट ऑफ फियर, देन then then it is then it is uplift then it is uplift pressure fail, uplift pressure fail, okay। याद रखना, जब आपके पास अपलिफ्ट प्रेशर सेल्फ वेट से ज्यादा होगा तो तुम्हें कौन सा फेलियर मिलेगा, अपलिफ्ट प्रेशर फेलियर मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात ठीक है, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडेंस ऑफ अपलिफ्ट, ये लिख लो, अवॉइडेंस ऑफ दिस फेलियर, इस फेलियर को हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई दी, सबसे पहला चीज तो मैंने आपको बताई दिया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ, एक्स्ट्रा विड्थ इज प्रोवाइडेड,
इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ एट द बॉटम टू टू रजिस्ट अपलिफ्ट प्रेशर. ओके दूसरा 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 इसमें है ना, ये दोनों ही कर लो. ये मान के चलो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया ना तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा. लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो मैं बताऊंगा तुम्हें, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो तुम्हें बताऊंगा, ठीक है. अब मैंने देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखो, मैंने ये कहा था कि पानी अगर जाएगा तो प्रेशर लगाएगा, पानी अगर जाएगा तो प्रेशर लगाएगा. तो बेटा पानी जाएगा तो ही तो नीचे से प्रेशर लगाएगा. अगर मैं पानी के फ्लो को डीले कर दूँ तो, अगर मैं पानी के फ्लो को डीले कर दूं तो क्या ये रुक जाएगा क्या? हाँ रुक जाएगा. तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक पाइल प्रोवाइड कर दी जाती है जिसे क्या बोलते हैं, शीट पाइल. क्या बोलते हैं? शीट पाइल, या फिर इनको कह सकते हैं कट ऑफ पाइल. क्या बोल सकते हैं? कट ऑफ पाइल. मतलब इनके बॉटम में एक पाइल लगाई जाती है लेंथ वाइज. लेंथ वाइज मतलब ऐसा नहीं कि लगी हुई है, एक पाइल यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. जितना भी इसका लेंथ है, जितना भी इसका लेंथ है, उस लेंथ के पैरेलल ही शीट पाइल लगाई जाती है, ठीक है. एक्स्ट्रा विड्थ के एक्स्ट्रा डेप्थ, इसको थिकनेस लिख लो, विड्थ गलत हो जाएगा, एक्स्ट्रा थिकनेस लिख लो, मतलब डेप्थ हो जाएगा, है ना, ठीक है. ठीक है बेटा राहुल. हाँ अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास क्या होगा कि शीट पाइल प्रोवाइड करने के कारण से जो पानी ऐसे फ्लो हो रहा था वो कैसे फ्लो होगा, वो फ्लो होगा ऐसे 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 ऐसे. तो मतलब ये कुछ साल और सेफ हो जाएगा, फिर उस साल तक हम मेंटेनेंस पाइप काम आता है उसमें हम फिर सेफ कर देंगे. खत्म खत्म बात. समझ गए क्या, समझ गए क्या? मतलब तुम पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो बट पानी के फ्लो को रोक नहीं सकते. तो पहला आपके पास क्या किया कि हमने ये जो थिकनेस थी बॉटम वाला इसको बढ़ा दिया, जिस कारण से इसका सेल्फ वेट पड़ गया, जिस कारण से नीचे से लगने वाले प्रेशर को रोक देगा. और दूसरा रीजन क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे इसके अपस्ट्रीम साइड पर एक शीट पाइल लगा देंगे जिस फ्लो को क्या कर देगा, डीले कर देगा, और हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा. तो दूसरा रीजन भी मैं लिख देता हूं, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग शीट पाइल, प्रोवाइडिंग शीट पाइल, प्रोवाइडिंग शीट पाइल एट अपस्ट्रीम साइड टू टू डीले दी टू डीले दी सीपेज टू डीले दी सीपेज सीपेज प्रोसेस. ओके याद रखना है क्वेश्चन क्या आता है तुम्हारे एग्जाम में, शीट पाइल कहाँ लगाते हैं अपलिफ्ट प्रेशर के फेलियर से बचाने के लिए. क्वेश्चन क्या आता है कि अपलिफ्ट प्रेशर से बचाने के लिए शीट पाइल कहाँ प्रोवाइड की जाती है. तो याद रखना अपस्ट्रीम साइड पर करते हैं, अपस्ट्रीम साइड पर करते हैं, ठीक है. और मैक्सिमम अपस्ट्रीम साइड पे ही क्यों करते, अगर ये पूछ ले तो बेटा पानी ज़्यादा कहाँ पर है, पानी ज़्यादा कहाँ पर है बताओ, पानी ज़्यादा कहाँ पर है, अपस्ट्रीम साइड पर. तो जो पानी का हेड होगा जो प्रेशर लगाएगा वो भी ज़्यादा कहाँ लगाएगा, अपस्ट्रीम साइड से, इस कारण से अपस्ट्रीम साइड पर लगाना है. ओके भाई जहाँ पानी ज़्यादा है वही तो आपके पास प्रेशर लगा रहा है, इस कारण से इस हेड को हमें कम करना है, इस कारण से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, इस कारण से शीट कहाँ पे लगाया है अपस्ट्रीम साइड पर. क्लियर है ना ये बात, ये बात क्लियर है ना, बताओ जल्दी से बताओ, ठीक है. हाँ बोल दो ना, हाँ बोल दो, हाँ 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 ठीक है. चलो सेकंड 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 जिसका नाम क्या था, पाइपिंग. पाइपिंग बोलो, बॉइलिंग बोलो, अंडरमाइनिंग बोलो, बात सेम ही है, ठीक है. अब ये क्या है, एक पाइपिंग फेलियर है. ये क्या है,
क्या है क्या है क्या है, ये पाइपिंग फेलियर है। पाइपिंग फेलियर क्या होता है, चलो दिखा देते हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये तुम्हारे पास वियर है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये वियर है, ये तुम्हारे पास वियर है, ये वियर है। इस वियर में मान के चलो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, ये हो गया तुम्हारे पास H1। और मान के चलो डाउनस्ट्रीम साइड में पानी नहीं है, मान के चलो डाउनस्ट्रीम साइड में पानी नहीं है, तो बताओ H क्या होगा। अब बताओ हेड लॉस कितना होगा, मान के चलो डाउनस्ट्रीम साइड में पानी नहीं है तो हेड लॉस कितना होगा, कितना होगा, H1 पूरा के पूरा। बिल्कुल सही, शाबाश सुदीप। पाप लगेगा, पाप लगेगा। डिफरेंस होता है जो आपके पास हेड लॉस है, जो आपके पास हेड लॉस है, ये डिफरेंस होता है डिफरेंस ऑफ H1 माइनस H2। ठीक है, किसके बराबर हो गया, H1 के बराबर हो गया। चलो 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 बुलावा, चलो बुला, नहीं बुलावा नहीं आया अभी, अभी नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। तुम गिर जाओ, तुम गिर जाओ, तुम टूट जाओ। ठीक है, चलो 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 चलो। क्या होता है, पानी आगे तो नहीं जाएगा, तो पानी कहाँ जाएगा, पानी नीचे जाएगा। ये तो बात क्लियर होगा, वियर बनाने से पानी जब आगे नहीं जा रहा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये पानी इस तरीके से फ्लो करता हुआ जाता है, इस तरीके से फ्लो करता हुआ जाता है, इस तरीके से। देखो होता क्या है, पाइपिंग में दो चीज़ें होती हैं, पाइपिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके पास जो होता है, एक तो आपके पास जो होता है, एक होता है आपके पास सीपेज फोर्स, एक आपके पास क्या होता है, सीपेज फोर्स, और एक आपके पास क्या होता है, एक होता है आपके पास क्या, सबमर्ज, सबमर्ज वेट ऑफ, सबमर्ज वेट ऑफ सोइल। जब यहाँ पे पानी है और पानी जब यहाँ से जा रहा है तो ये पूरा सोइल, ये पूरा सोइल कैसे होगा, ये पूरा सोइल किस कंडीशन में होगा, सबमर्ज कंडीशन में होगा क्या, ये पूरा सोइल कैसे होगा, सबमर्ज कंडीशन में होगा क्या। और सीपेज फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब वॉइड से पानी पास करता हुआ जाता है, जब सोइल के वॉइड से पानी पास करता हुआ जाता है तो आपके पास वाटर सोइल पे एक प्रेशर लगाता हुआ चलता है, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो जब पानी आपके पास जा रहा है और निकलते हुए प्रेशर लगा रहा है सोइल पर, तो वो आपके पास क्या होगा, सीपेज प्रेशर, कि भाई मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ऐसे करता हुआ। अब आपके पास क्या है, ये पानी ऐसे जा रहा है तो ये प्रेशर लगा रहा होगा, ये प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, जब ये ऐसे जा रहा है तो प्रेशर इसी डायरेक्शन में लगेगा और आपके पास वेट कहाँ पे लग रहा होगा, नीचे। जब आपके पास प्रेशर यहाँ पे है तो ये ऐसे लगाएगा और सेल्फ वेट कहाँ पे लगाएगा, नीचे लगाएगा। जब ये ऐसे जा रहा है तो ये प्रेशर ऐसे लगाएगा और सेल्फ वेट अभी भी कहाँ लगाएगा, नीचे। क्योंकि तो भाई जो सेल्फ वेट है ना वो हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे ही लगेगा सोइल का, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स रहता है वो। जब ये ऐसे जाएगा तो ये सीपेज फोर्स लगेगा ऐसे और सेल्फ वेट अभी भी कहाँ पे लगेगा, नीचे लगेगा। जब ये ऐसे जाने लगेगा तो प्रेशर कैसे लगेगा, ऐसे, और अभी भी कैसे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। पर जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये बिल्कुल, एक तो प्रेशर लगेगा ऐसे जो कि आपके पास कौन सा होगा, सीपेज प्रेशर, और एक आपके पास होगा यहाँ नीचे जो क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास सेल्फ वेट ऑफ सोइल। और जब आपके पास ये प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया यहाँ एग्जिट के ऊपर, ये प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो बताए बेटा क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होते ही ये जो सोइल है ये इस प्रेशर के साथ में ऊपर बहने लग जाएगी, ये जो सोइल है इस प्रेशर के साथ में ऊपर बहने लग जाएगी। और इस कंडीशन को कहा जाता है क्विक सैंड कंडीशन, क्या कहा जाता है, क्विक सैंड कंडीशन, वो कंडीशन जहाँ पे इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, जीरो। और इस कंडीशन के ऊपर आपके पास पानी फ्लो के साथ बहने लग जाती है और आपके पास इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, क्विक सैंड कंडीशन कहा जाता है। अब पूरा कहानी सुनो,
यहाँ से मिट्टी निकलना है, मिट्टी निकलना है, 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 निकलता जा रहा 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 है, और निकलता 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 इस तरीके से निकलता हुआ इस तरीके से क्या बना लिया, क्या बना लिया, एक नीचे खुद का पाइप बना लिया, एक खुद का पाइप बना लिया पानी बहने के लिए। मतलब जैसे जैसे पानी अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जाएगा, वहां की मिट्टी जो अपस्ट्रीम से निकल चुकी है वो डाउनस्ट्रीम की तरफ जाने पड़ेगी, जो मिट्टी डाउनस्ट्रीम से निकल चुकी है वो अपस्ट्रीम की तरफ फ्लो होने लगेगी, और यही मिट्टी निकलती ही निकलती ही निकलती ही निकलती ही एक खुद का पाइप बना लेगी, और इसी को ही कहा जाता है क्या, होलो पाइप। इसको ही क्या कहा जाता है, एक होलो पाइप का फॉर्मेशन कर लेती है, और जैसे ये पाइप का फॉर्मेशन होगा जो वियर का वेट है वो नीचे गिरेगा, और इस गैप में डिफॉर्मेशन होगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा, और स्ट्रक्चर को पूरे को क्या कर देगा, कोलैप्स कर देगा। समझ गए क्या, समझ गए क्या क्या होगा पूरा फिनोमिना। बट ये काम होने में सालों लग जाते हैं, बस हमें इसी से बचना है कि ये जो साल हैं ये कम साल में ना हो, ये ज़्यादा साल में हो। ठीक है क्या, क्लियर है क्या पूरा फिनोमिना, क्या होता है, क्या होता है बेटा, रिपीट करेंगे टाइम हो जाएगा। समझ, मेरी क्लास को ये वाली सिर्फ लास्ट वाली केस थोड़ा दोबारा देख लेना, मैं कह रहा हूँ क्लियर हो जाएगा। रामदत्त चलो आपके बिना, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा, मैंने क्या कहा कि जब ये पानी फ्लो करता है तो यहाँ की जो आपके पास मिट्टी है इस पानी के साथ में निकल जाती है, यहाँ की जो मिट्टी है वो बेटा पानी के साथ में निकल जाती है, इसी को बोलते हैं पाइपिंग। इसी को क्या बोलते हैं, पाइपिंग। ये जो मिट्टी निकलती है ये निकलती निकलती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है, पानी चलता रहेगा अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम, मिट्टी निकलती रहेगी डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम। ठीक है, इस तरीके से निकलती रहेगी, इस तरीके से निकलती रहेगी। अब आपके पास क्या होता है, ठीक है चलो सबसे पहले इसके अंदर लिख देते हैं कुछ बातें जो आपके लिए जरूरी हैं। कौन कौन सी बातें जरूरी हैं, ठीक है ठीक है, सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर ऑन द सोइल। ओके, सीपेज जो प्रेशर होता है ये वाटर से किस पे लगता है, सोइल पे लगता है। ठीक है, ये पाइपिंग के अंदर क्या होता है, पाइपिंग कंसिस्ट ऑफ अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ सीपेज फोर्स, एंड सबमर्ज वेट ऑफ सोइल। जो आपके पास पाइपिंग है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीपेज फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट होता है और एक सेल्फवेट का कंपोनेंट होता है। ठीक है, अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ सीपेज फोर्स एंड सबमर्ज एंड डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ सबमर्ज वेट ऑफ सोइल। अपलिफ्ट फोर्स नहीं लगेगा क्या, नहीं अपलिफ्ट के लिए हम बता चुके, अपलिफ्ट की कहानी अलग है, दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए जो आपके पास जो करेंगे अवॉइडेंस वो दोनों के लिए मैं कंबाइन बता दूंगा लास्ट में। दोनों के लिए होता क्या है, पूरे वियर के अंदर इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए थिकनेस बढ़ा दी जाती है, एक पाइपिंग ये स्ट्रीट पाइप लगा दी जाती है अप स्ट्रीम पर डाउन स्ट्रीम पर, पूरा डिजाइन इस तरीके से बनता है। ठीक है बेटा आयुष, फर्स्ट लाइन रिपीट करना सर। बेटा मैंने ये लिखा है कि सीपेज प्रेशर, एक प्रेशर होता है, इट इज़ द प्रेशर होता है जो आपके पास वाटर के थ्रू लगता है सोइल पर, वाटर के थ्रू लगता है सोइल पर। ठीक है,
पाइप की लेंथ से एक क्वेश्चन था सर, पाइप की लेंथ से, फिर तो वो क्वेश्चन मान के चलो सोइल का होगा। मेरे यहाँ का क्वेश्चन जो था वो मैं अभी बता दूंगा, थिकनेस से था क्वेश्चन, थिकनेस से था, मैं बताऊंगा अभी जब आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ड्यू टू दिस लोकेशन, ड्यू टू दिस लोकेशन ऑफ सोइल ब्लो वेयर फॉर्मेशन ऑफ पाइप अंडर फॉर्मेशन ऑफ पाइप अंडर सोइल सो स्ट्रक्चर में सबसाइड इनटू दी होलो पार्ट एंड फेलियर। क्या लिखा है कि इस कारण से जो सोइल होगी वियर के नीचे से वो गायब हो जाएगी, जो कि आपके पास क्या बना लेगी, एक पाइप को बना लेगी सोइल के अंदर। जो आपके पास सोइल हट रही है वियर के नीचे से, वो उसके नीचे पाइप बनाएगी और स्ट्रक्चर वहाँ पे सेट हो जाएगा, होलो पार्ट पर सेट हो जाएगा, जिससे कारण से क्या होगा, फेलियर होगा, सबसाइड होता है, ठीक है, देख लेना, सबसाइड होगा, देख लेना, ठीक है। ठीक है, देख लेना जो भी आपके पास हो वहां पर, बना लिया क्या बेटा, बना लिया। बस एक बात याद रखना, बातें यहां पे एक बात याद रखना नोट करके, पार्टिकल मूवमेंट फ्रॉम डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम एंड वाटर व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। ओके, पानी तो कहाँ से मूव करेगा, पानी तो मूव कर रहा होगा अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम, और मिट्टी कहाँ से निकल रही होगी, डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम। हाँ, डिसलोकेशन, डिसलोकेशन ऑफ सोइल का मतलब होता है वहां से सोइल का निकल जाना, उस जगह से निकल जाना, डिसलोकेशन ऑफ सोइल मतलब उस जगह से निकल जाना, ठीक है, क्लियर है। चल, बना लिया क्या यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ले लिया। चलो, अब अवॉइडेंस ऑफ पाइपिंग। चलो, पहला, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग मोर लेंथ ऑफ इम्परवियस फ्लो
इम्परवियस फ्लो, ठीक है। दूसरा 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 प्रोवाइडिंग शेड पाइल ऑन डाउनस्ट्रीम साइड। अब दोनों का कारण देख लो, दोनों का कारण देख लो। पहला मैंने क्या कहा है, पहले मैंने आपके पास क्या कहा है कि आपके पास यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से मैंने क्या कहा कि ये जो मिट्टी है यही तो मिट्टी निकल रही है, और ये जो पानी आपके पास जा रहा है यही तो कर रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने बेटा यहाँ पे क्या करा, मैंने इस जगह पर एक मैंने कहा था कि आपके पास इसकी थिकनेस को बढ़ा दो, मैंने क्या कहा था इसकी थिकनेस को बढ़ा दो, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जिसका लेंथ है ना वो लेंथ बढ़ा दो, इसका लेंथ क्या करो बढ़ा दो। अब पानी जो यहाँ से निकलता तो जल्दी होता, अब पानी को ज़्यादा फ्लो करना पड़ेगा भाई, जितना ज़्यादा लेंथ होगा पानी को और नीचे से जाना पड़ेगा उसको फ्लो करने के लिए। तो मतलब इससे बचने के लिए हमने क्या करा है, मोर लेंथ ऑफ इम्परवियस फ्लोर, मतलब नीचे वाला जो फ्लोर है उसकी लेंथ को बढ़ा दो। बढ़ाने के कारण से सीपेज और लंबा करेगा तो टाइम क्या लगेगा, और ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बातें, ठीक है। और सिंपल सा बताना चाहें तो बना लिया क्या, बना लिया। अब दूसरी बात देखो, प्रोवाइडिंग शीट पाइप, एक तरीका और भी है ना बताने का, एक है ना ग्रेडिएंट होता है, एग्जिट ग्रेडिएंट, वो रहता है हैंडलोस डिवाइड बाय लेंथ। अगर तुम लेंथ बढ़ाते हो ना, तुम इसका लेंथ बढ़ाते हो तो ये कम होगा, ये कम होगा, और जितना एग्जिट ग्रेडिएंट कम होना स्ट्रक्चर उतना साफ होगा, उतना कम होगा। क्वेश्चन करवा दो सर, क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन ही है, जितने पॉइंट है वही सब क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन करो ना, मैंने कब मना किया, तुम क्वेश्चन करो ना एक बार, ओके। तो लेंथ बढ़ाने से एग्जिट ग्रेडिएंट कम होता है, जितना आपके पास एग्जिट ग्रेडिएंट आपके पास कम होगा उतना स्ट्रक्चर तुम्हारे पास क्या होगा, सेफ होगा। ये चीज़ें हम कहाँ की बता रहे हैं, सोइल की बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं सोइल की बता रहा हूँ। इसमें स्ट्रीट पाइल डाउनस्ट्रीम साइड पे क्यों प्रोवाइड करते हैं, हाँ आयुष बेटा ये बात सुनो, हाँ अपस्ट्रीम के लिए डाउनस्ट्रीम और पाइपिंग के लिए डाउनस्ट्रीम पर लगाएंगे, बिल्कुल सही। देखिए स्ट्रीट पाइल यहाँ पे डाउनस्ट्रीम साइड पर लगती है क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पानी कहाँ से निकल रहा है, पाइपिंग के लिए सबसे पहले पानी कहाँ से निकलेगा, सबसे पहले पानी कहाँ से निकलेगा, अरे डाउनस्ट्रीम से निकलेगा पाइपिंग के लिए, पाइपिंग के लिए पानी कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से होगा। मैंने क्या कहा, पानी फ्लो होगा अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम, मिट्टी कहाँ से निकलेगा, डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम। अगर मिट्टी डाउनस्ट्रीम का नहीं निकलेगा तो क्या पाइपिंग बनेगा क्या भाई, अगर मिट्टी डाउनस्ट्रीम से नहीं निकलेगा तो क्या पाइपिंग बनेगा क्या, नहीं ना। तो इसी कारण से इसको रोकने के लिए भी यहाँ पे पाइप लगा दो। अब पहले पानी तो जाएगा यहाँ से, यहाँ से होता हुआ अब जाएगा यहाँ से, तो उसको और लंबा रास्ता मिलेगा, और लंबा रास्ता मिलेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पानी को रोक नहीं सकता, मैं पानी को डीले करने का काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं पानी को डीले करने का काम कर रहा हूँ। इसलिए पाइपिंग होती है डाउनस्ट्रीम से स्टार्ट, पाइपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, डाउनस्ट्रीम से, और अपलिफ्ट कहाँ से होता है, अपस्ट्रीम से। इस कारण से जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होगी अपलिफ्ट प्रेशर अपर साइड, क्यों, क्योंकि पानी का हेड ज़्यादा है। अब पाइपिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, जब मिट्टी निकलने लगा पानी के साथ में, कहाँ से, डाउनस्ट्रीम साइड पर, तो बचने के लिए डाउनस्ट्रीम और यहाँ से बचने के लिए अपस्ट्रीम। अब समझे क्या, बट अपस्ट्रीम पर इंक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन में, बट अपलिफ्ट प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, सारे के सारे इस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जरूरी नहीं है ये हो। इसके बीच में इंटरमीडिएट पाइप भी लगा देते हैं अपलिफ्ट को रोकने के लिए, ठीक है। पाइपिंग ओनली डीले वाटर, हाँ पाइपिंग से बचने के लिए पानी को डीले कर दें, क्लियर है। अब इसके बाद की जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो मैं कल बताऊँगा, ठीक है। बस ये बात याद रखना दो कि आप पाइपिंग फेलियर से, पाइपिंग
अपलिफ्ट फेलियर से बचने के लिए सीट पाइल कहाँ लगाओगे, सीट पाइल कहाँ लगाओगे, अपस्ट्रीम साइड, अपस्ट्रीम साइड, और पाइपिंग, ठीक है, पाइपिंग फेलियर से बचने के लिए कहाँ लगाओगे, डाउनस्ट्रीम साइड, बस, ठीक है, ये बातें याद रखना, ये दो बातें याद रखना, ठीक है। अब कल मिलते हैं तुमसे, जब तक अपना ध्यान रखना, हम जा रहे हैं, नहीं तो हम फिर दोबारा लग जाएंगे। सबकी स्लाइड एक बार दिखा दो, लो जल्दी से देख लो, जल्दी से देखना बेटा, देखो ये है पहला, एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन 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 और ये चार, एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन और ये चार, बस यही है। और 15 स्लाइड कौन कह रहा है, पाप लगेगा तुम्हें, जा रहे हैं बाबू, ठीक है, जा रहे हैं बेटा, कल मिलेंगे तुमसे, ठीक है, चलो। अरे टाइम सेम ही रहेगा ना, टाइम सेम ही रहेगा।